तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको साउथ कोरिया के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया था ना कि उसके अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चालान फॉर्म निकाल के 1000 रुपए उसके रजिस्ट्रेशन की फीस थी, तो 11 उसकी लास्ट डेट थी। आज उसका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग उसका रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको वहां पर मैं तरीका कर समझाऊंगा। और एक बात मेरी याद रखें, ये आज ही आप चेक कर लें या कल तक चेक कर लें, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक महदूद मुद्दत के लिए होता है। ये नहीं है कि इन्होंने कोई 10-15 दिन या 20 दिन का टाइम दिया हुआ है कि आप देखें। अब इन्होंने डेट दी थी 2 फेब से लेकर 11 तक इनकी लास्ट डेट थी। अब उसमें देखें, अब नजर तो यही आ रहा था कि अब इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा फास्ट हैं। ये टाइम नहीं देते आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। अब 11 को हुआ, 12 को इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अब देखिए, इसमें आप और मैं सिर्फ दो ही अप्लाई करने वाले नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लोग अप्लाई करते हैं इनको। बहुत बहुत इंडिया से लोग करते हैं, नेपाल से करते हैं, भूटान से करते हैं, पता नहीं किस किस कंट्री से लोग अप्लाई करते हैं, यकीन करें। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने इस दफा अप्लाई किया। उसके बावजूद इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने फाइनल किया। 11 को फाइनल हुआ, आज 12 डेट है और रात का टाइम है, अभी 1 बज रहे हैं, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये अनाउंस हो चुका है तकरीबन 10 बजे का, लेकिन इनकी डोमेन के ऊपर लोड इतना ज्यादा था, लोग इतने ज्यादा थे, जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने इसको ओपन किया, मैंने भी अप्लाई किया था, चलें चेक करते हैं। आप लोग भी इस तरीके से ही इसमें जाके चेक करें आपका नाम आया है या नहीं आया। तो चले आए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, आपने आ जाना है गूगल के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, सिंपल तरीका है। आपने यहाँ पे लिख देना है ओईसी कोरिया, नहीं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिखोगे ओईसी कोरिया, तो यहाँ पर आपने कर देना है इसके ऊपर, एक बार जरा वो थोड़ी सी बुफरिंग हो रही है, बल्कि इसके ऊपर आपने क्लिक ठोक देना है, ठीक है। थोड़ा सा लोड था पहले वेबसाइट के ऊपर, लेकिन अभी कुछ ठीक हो गया, क्योंकि 1 बज रहा है रात का, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने चेक किया। अच्छा, जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाओगे, ये आपके सामने लिख के आ गया, बैटरी भी लो हो गई। ओ बेटे जल्दी कर, अभी बैटरी लो हो गई, यदि बंद ना हो जाए पुत, जे ये बंद हो गया, 1 मिनट नाजरी जरा वेट करो, मैं तुम दसदा यार। एक ना यह बैटरी जी है ना, वो भी होनी आ के लो होनी सी यार, देखो बहुत हालात खराब हुए खड़े। अच्छा जी, तो आपने आ जाना इसके ऊपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे, ये देखो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये अनाउंस्ड ऑफ द बुलेटिंग रिजल्ट ऑफ द 7th पॉइंट सिस्टम ऑफ ईपीएस इन पाकिस्तान 2024। तो यहाँ पे चेक रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिंपल तरीका है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये अगर आपका नेट स्लो हुआ तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा, जैसे जैसे ये कर रहा है। तो उसके बाद वेटिंग फॉर रिजल्ट, यू नो गाइज, वेटिंग फॉर रिजल्ट। अच्छा, अब आ गया यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर ईपीएस टॉपिक 2024। यहाँ पर आपने लिखना है अपना आईडी कार्ड नंबर, जैसा कि मैंने भी अप्लाई किया था, तो मैं भी अपना चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पर आपने लिखनी है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी, यहाँ पे आपने कर देना इसको सबमिट। तो गाइस, हाँ जी, आया जी, की हो गया फुरकान भाई, की हो गया, दसो तो सही। नहीं आया। अच्छा, बाहर निकल के अगर वीडियो पूरी करो अपनी। यार की रोला है इन्हें, मेरा ही मसला, 2018 का अप्लाई करने लगा मैं। अच्छा अच्छा, सीट ते बैठ के, ओ सीट ऐसी केड़ी सीट ते मैं बैठ मां, मेरी तो सीट ही खोली मेरे को इन्हां ने। अच्छा अच्छा, वीडियो मुकम्मल करो, बात निकल गई। ओए मैं, ओए मैं के ओजरी बाहर आ चलो चलो इस गांव यार, है नाजरी ने गल माड़ी के नहीं यार, दसो यार, बस करना ही छोड़ो यार। ठीक है।